वीडियो में यह बात करने वाले हैं कि WhatsApp पे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड हुआ है जो कि आपको देखकर और आपको सेटिंग करके बहुत ही अच्छा लगेगा और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा आपका WhatsApp चलाने का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अपडेट आया है। आपको सबसे पहले अगर अपडेट ना मिला हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं इसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको WhatsApp ओपन कर लेना है। WhatsApp ओपन करने के बाद आपको WhatsApp पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें नया फीचर्स क्या ऐड हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको। किसी भी आप एक जिससे चैट करते हैं आप उस पर क्लिक करिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे वॉलपेपर पहले आप ही सॉलिड कलर देता था, सिर्फ ब्लू नीला एंड रेड ऑरेंज ऐसे कुछ देता था। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कितना सारा चेंजेस हुआ है। आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, उसका चैट खोल के यहाँ पे वो आपको चार नंबर पे दिख जाएगा, पांच नंबर पे व्हाट्सअप वॉलपेपर के नाम से एक लिखा हुआ है, वॉलपेपर पर आपको टैप करना है। देखिए यहाँ पे एक नया फीचर्स ऐड हुआ है, मैं इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, उसको थंबनेल में लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ ब्राइट आ गया है। आप यहाँ से कितने सारे वॉलपेपर हैं आप अपने व्हाट्सअप पे सेट कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको टच करते हैं तो ये हमारा वॉलपेपर कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। और एक फीचर से बगल में डार्क, अगर डार्क में आप रखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे डार्क है बहुत सारा, कोई भी आप उठा के डार्क अपने सेट कर सकते हैं। अभी मैं कोई सेट करके दिखाऊंगा, इस पर कुछ और ऑप्शन देता है, पहले यही ऑप्शन देता था सॉलिड वाला। अब इसमें दो फीचर्स नया, तीन फीचर्स नया ऐड हो चुका है। अब माई फोटो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने फोटो का जितना भी बैक फोटो है व्हाट्सअप पे उसको भी लगा सकते हैं। अगर डिफिकल्ट करेंगे तो डिफिकल्ट पे ऐसे सिंपल सा आपको व्हाट्सअप खुलेगा और ऐसे सिंपल दिखेगा। तो चलिए मैं कुछ ब्राइट वाला दिखाता हूँ लगा के आपको। यहाँ से देखिए मैं मुझे कोई भी वॉलपेपर जैसे पसंद आता है तो मैं इसको लगा लेता हूँ। देखिए मैं इसको जैसे मुझे पसंद है तो मैं इस पर टैप करूँगा और यहाँ पे सेट वॉलपेपर लिखा है। अब यहाँ से आपको पूछेगा कि फॉर ऑल चैट पे लगाना चाहते हैं या फॉर दिस चैट, मतलब आप जिसका चैट ओपन करें उसी पे लगाना चाहते हैं कि आप सभी के चैट पे लगाना चाहते हैं। अगर आपको सभी पे लगाना है तो सभी वाले पे ओके कर देना है। क्लिक करके अब सभी पे वॉलपेपर सेट हो चुका है। जैसे मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी चैट पे बदल चुका है, काफ़ी सारा चेंजेस आ गया है व्हाट्सअप में। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स मैं बताता रहूँगा। आज की वीडियो में बस यही। अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं, आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं एंड चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं।